अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, मैं हूं नेशनल स्टेडियम में एहसान कुरैशी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रिक बूम पे एहसान कुरैशी। और आपको जैसे ही पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के मैचेस जो हैं इंतहाई सनसनीखेज अंदाज में हो रहे हैं। आज भी जनाब जो पहला मैच था वो देखने से ताल्लुक रखता था, ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से निकल गया लाहौर कलंदर ने, लेकिन लाहौर कलंदर के जमान खान ने आज 4 डॉट बॉलें करके मैच का नक्शा ही बदल दिया। हालांकि ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि जो लोग क्रीज पर मौजूद थे वो छक्के मारने की महारत रखते हैं, कौन, आसिफ अली और आजम खान, लेकिन आप यकीन करें कि सिर्फ उन्होंने अपनी 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए, जिसमें एक वाइट बॉल भी शामिल था और जिसकी बदौलत उनको जीत हासिल हुई। देखें, यह है क्रिकेट। ऐसे लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है आज अपना तीसरा मैच जीत जाएगी, लेकिन देखें एक नौजवान बॉलर ने जिनका ताल्लुक आजाद कश्मीर मीरपुर से है, और आज क्योंकि पूरे मुल्क में हमारा आजादी का दिन मनाया जा रहा है, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जा रहा है, तो उसको उन्होंने एक यादगार बना दिया, लेकिन एक विकेट हासिल की। लेकिन जो आज बड़ा कलीदी रोल प्ले किया था शादाब खान ने अपनी टीम की को करीब ले जाने में अपनी जीत की मुसलसल तीसरी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हुआ क्या जनाब, शादाब खान ने 52 रन बनाए, 4 विकेटें हासिल की, लेकिन इसके बावजूद ये गोल्डन परफॉर्मेंस कहलाती है, लेकिन वो अपनी टीम को जिता नहीं सके। वकास मसूद ने भी आज, जो वकास मसूद हैं वो फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने जनाब आज 4 विकेटें हासिल की और महदूद किया था लाहौर कलंदर्स की टीम को, लेकिन बड़ी ड्रामाई खेल हुआ। 60 रन बनाए थे कॉलन मिनरो ने, बहुत पावरफुल बैटिंग लाइनअप है, लेकिन शुरू में उनके भी जो बड़े खिलाड़ी है, चाहे वो एलेक्स हेल्स हो, चाहे वो जनाब पॉल स्टर्लिंग हो, जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप चली जनाब मिनरो और शादाब के दरमियान, और वो अपनी टीम को एक बड़ा स्कोर ले जाने में कामयाब हो गए। यानी कितने उन्होंने अच्छे खासे रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद आखिर में जनाब एक ऐसा लगा कि सिर्फ 17 गेंदों पर, जिसमें 17 डॉट बॉल हैं, 39 रन बनाए आखिरी 5 ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और यहीं से मैच का टर्निंग पॉइंट हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने काफी दबाव डाला था लाहौर कलंदर की टीम पर, लेकिन वही है कि आज के हीरो जो साबित हुए वो कौन साबित हुए, वो साबित हुए जनाब जमान खान। जमान खान ने इससे पहले भी एक मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया था, और आज सिर्फ उन्होंने एक विकेट हासिल की, लेकिन मैन ऑफ द मैच वो बने, और एक ऐसा मैच था, आप यकीन करें, टच ऑन गो, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट के आखिर तक गया। कोई सोच भी नहीं सकता था, पावर हिटिंग, डेथ ओवर्स में पावर हिटिंग होती है, छक्के चौके, लेकिन आज भरपूर मुजाहरा किया। हालांकि 19वां ओवर जो था वो किया था हारिस रऊफ ने, जो पाकिस्तान के सफेद बल के बॉलर है, उन्होंने 9 रन दिए थे। आखिरी ओवर्स में 9 रन की जरूरत थी, लेकिन आप यकीन करें कि वो 2-9 रन नहीं बन सके, और 8 रन से जो है उनकी टीम जो है ये मैच हार के 11 रन बनाने थे। एक बार दोबारा आपको बता दूं, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है क्योंकि सब जुबानी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन जमान खान, यू आर द हीरो, यू वन द हार्ट ऑफ द पीपल ऑन ए डे। कश्मीर यकजहती डे था आज, था पूरे मुल्क में मनाया गया, आज पूरे मुल्क में छुट्टी भी होती है, लेकिन बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। लेकिन इस्लामाबाद, अब लाहौर के अंदर की टीम जो है ना वो नीचे से दूसरी पोजीशन पर आ गई है। आज का दूसरा मैच जनाब वो वाकई मैं समझता हूं कि एक ऐसा मैच था, वो भी एक शानदार मैच था। मुल्तान सुल्तान ने फिर एक बार अपना सिक्का जमाया, और किसने सिक्का जमाया, सिक्का एक बार फिर जमाया जनाब मोहम्मद रिजवान ने, और सिक्का जमाया जनाब शान मसूद ने, और बहुत जबरदस्त बैटिंग की। लेकिन टिम डेविड ने जनाब 18 गेंदों पर जो आज 50 रन किए वो भी यादगार रहेंगे। 222 रन बनाने में कामयाब हो गई, इतनी उन्होंने जनाब धुनाई की पेशावर्स के बॉलर्स की, और खास तौर पर जो वहाब रियाज, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, उनके एक ओवर में 24 रन भी बने आखिर में, और आखिर के जनाब जो 5 ओवर्स में उसमें 74 रन, इतनी कुटाई की, इतनी धुनाई की बॉलर्स की पेशावर जलमी के बॉलर्स की, के बस उसके बाद उनका जो है ना आप समझ लें कि जुलूस ही निकाल दिया। और मुल्तान सुल्तान ने जो है ये उनका ये जो मुसलसल 5वीं जीत थी, और उन्होंने अपना सिक्का जमाया जनाब। पिछले साल इसी ग्राउंड पे उन्होंने जनाब 4 मैच हारे थे 5 में से, लेकिन इस दफा बिल्कुल किस्मत की देवी उन पर मेहरबान है, और जिस तरह की वो बैटिंग और बॉलिंग कर रहे हैं, और खास तौर पर वाइट बॉल में जो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी है वो देखने से ताल्लुक रखती है, इंटेलिजेंट। उनकी 2 मैचों में फ्लॉप रहे थे, लेकिन आज उन्होंने 82 रन बनाए। लेकिन टिम डेविड ने आज जो इनिंग खेली जनाब, उन्होंने सिर्फ
19 गेंदों पर आउट हुए बगैर 52 रन बनाए, जिसमें निफ्त दर्जन छक्के शामिल थे। को मजाक नहीं होता, टिम डेविड जो है उनका ताल्लुक सिंगापुर से है, पूरी दुनिया में उनका आप तूती बोल रहा है। जिस तरह की वो हिटिंग करते हैं, क्लीन हिटिंग करते हैं, बहुत ही शानदार बैट्समैन है और फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। इससे पहले आपको याद ही होगा कि उन्होंने कैच एक स्कूप करके छक्का जो था क्वेटा ग्लेडिएटर के खिलाफ उन्होंने बाहर से स्कूप करके लिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डेप्थ है मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग और बैटिंग में। लेकिन मैं समझता हूं उसका सारा सेहरा जो है वो बहुत बड़ा सेहरा खुद कप्तान मोहम्मद रिजवान के सब जाता है, जो कि जमीन पर रहने वाले खिलाड़ी हैं। अपनी बैटिंग, अपनी कयादत से उन्होंने अपना सिक्का मरवाया है और मेरा तो ये लग रहा है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान टीम के वो कप्तान बनेंगे व्हाइट बॉल में, क्योंकि जो उनका टैलेंट है, जो उनका पोटेंशियल है, हर तरह से वो गेम पर नजर रखते हैं, अपने खिलाड़ियों को साथ लेके चलते हैं, गुस्से का इजहार नहीं करते। जैसे कि बहुत से कप्तान आप देखें, सरफराज के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं, हफीज के बारे में बातें हो रही हैं, शाहिद अफरीदी के बारे में बातें हो रही हैं। हमारे मीडिया बॉक्स में बड़ी दिलचस्प बातें होती हैं पूरा दिन, चाहे वो सहाफियों की बातें हों, चाहे वो एंकर्स की बातें हों, चाहे वो खिलाड़ियों की बातें हों। तो बातें ये हो रही थी कि जनाब अगले साल जो है ना, हो सकता है काफी लोग जो हैं, काफी खिलाड़ी रुखसत हो जाएं पाकिस्तान सुपर लीग के। लेकिन ये गेम तो चलता रहेगा, लेकिन पहला दिन इसका बड़ा फीका फीका रहा था, पाकिस्तान सुपर लीग का बड़ा मोमेंटम बन गया है। लोग कह रहे हैं कि जनाब ये कुछ दिनों में ये इंडिया की लीग को भी पीछे छोड़ देगी, लेकिन बहरहाल इंडिया की लीग एक सबसे दुनिया की पहली फ्रेंचाइज है, इंडियन प्रीमियर लीग, बहुत जबरदस्त उनका टूर्नामेंट होता है। लेकिन वो वक्त भी क्या वक्त होगा कि जब इंडिया के प्लेयर खेलने आएंगे पाकिस्तान सुपर लीग में और पाकिस्तान के प्लेयर खेलेंगे जाके इंडियन प्रीमियर लीग में, वो क्या दिन होगा। जो स्टेटस है दोनों लीग का बहुत ऊपर चला जाएगा, और मैं समझता हूं कि इंडिया की लीग का स्टेटस तो ऑलरेडी बहुत ऊंचा है और ऊंचा हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की फ्रेंचाइज ने भी और पाकिस्तान की इस लीग ने भी अपना दुनिया भर में एक नाम बना लिया है। अच्छा, बातें हैं कि हम आपसे बातें बहुत कर गए, लेकिन हम आपसे दरखास्त करना भूल गए कि भाई हमारे ये यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। न्यूज, व्यूज, अपडेट्स हम आपको रेगुलर देते रहेंगे और आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि ये टूर्नामेंट जब तक चल रहा है कंट्रोवर्सी भी होती है, बैकग्राउंड में बहुत सी चीजें हमें पता चल जाती हैं, बहुत सी नहीं पता चलती, लेकिन आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तो हमें आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह निगेबान।